नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, तालिबान में खराब होते हालात के बीच भारतीय सेना हुई एक्टिव। मोदी सरकार ने दिया आदेश, एक विमान पहुंचा अफगानिस्तान। जी, तालिबानों से छुड़ाएगा भारतीय राजदूतों को, बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं दोस्तों। अब आपने देखा होगा, पहले कितने दिनों से मीडिया में साफ साफ निकल के आ रहा है कि जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि 31 अगस्त तक वो अपने लगभग सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से बुला लेगा। यानी 31 अगस्त एक ऐसी डेट है जब एक भी सेना 31 अगस्त यानी 1 सितंबर को एक भी सेना अफगानिस्तान में नहीं रहेगा। अब इसके बाद तालिबान इतनी तेजी के साथ अफगानिस्तान को कब्जा कर रहा है कि अब तक 85% ज़्यादा क्षेत्र पर तालिबान के लड़ाकों का कब्जा हो गया है। और तालिबान के लड़ाकों मतलब कोई कानून नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, जो तालिबान के खिलाफ बोलेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। अब आप समझिए कि ऐसे देश में राजनयिकों का क्या मतलब होगा। ऐसे देश में अपने खास करके जो ऑफिस होते थे भारत सरकार की तरफ से, जो ऑफिस होते थे वो बंद कर दिए गए। कई दूतावास को बंद करने के मोदी सरकार ने आदेश दे दिए। तालिबान ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर उसने अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। शुक्रवार को रूस की राजधानी मास्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तालिबान के 3 नेताओं ने कहा है अफगानिस्तान के 85% हिस्सों पर तालिबान ने नियंत्रण जमा लिया है। वहीं अफगानिस्तान की सरकार ने तालिबान से जमीन छुड़ाने की जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके बाद अफगानिस्तान की स्थिति काफी बिगड़ने लगी है। ऐसे में भारत को अफगानिस्तान की बेहद महत्वपूर्ण प्रांत कांधार में बड़ा झटका भी लग गया है। दरअसल भारतीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कांधार में स्थिति अपना एक कंसुलेट बंद करने का फैसला लिया और इस पर एक स्पेशल फ्लाइट भेजकर अपने करीब 50 राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है। आपको बता दें कि कांधार प्रांत के कई जिलों पर तालिबान का कब्जा कर चुका, और लेकिन मुश्किल स्थिति तब पैदा हो गई जब कांधार के हजारों स्थानीय लोगों ने तालिबान को खदेड़ने के लिए हथियार उठा लिया। अब आप समझिए कि तालिबान में ये हालत अभी हो चुकी है कि लोग मर रहे हैं, लोग मरने और मारने पर उतारू गए। एक तरफ या तो तालिबान रहेगा या तो लोकतांत्रिक रूप से जो रह रही जनता है वो तालिबान के सामने खड़ी हो गई और वो हथियार उठा लिए। ऐसे में कभी भी भीषण युद्ध देखने को मिल सकता है। राजनयिकों के साथ भारत सरकार ने इंडो टिप्टन बॉर्डर पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को भी वापस बुला लिया है। आपको बता दें कि सेना जब ये कहीं ना कहीं तरीके से जो फ्लाइट भेजी गई थी, स्पेशल फ्लाइट, इसमें सैनिक भी थे, बड़े पैमाने पर सैनिक थे ताकि किसी तरीके से सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं हो। सेना भर के सैनिक अफगानिस्तान पहुंची थी और अपने 50 से ज़्यादा राजनयिकों को दिल्ली वापस लाया गया है सकुशल और सुरक्षित। और ऐसे में माना जा रहा है कि वहाँ के जो दूतावास हैं, भारत के जो दूतावास अफगानिस्तान में है, उसे भी लगभग बंद करने का फैसला लिया जा रहा है। भारत सरकार ने अधिकारियों से यह कहा, कदम पूरी तरीके से एहतियात उठाया गया और उन्होंने उन रिपोर्ट्स के आधार पर अधिकारियों को कांधार से निकलने का फैसला किया है, जिसमें पता चला कांधार पर लगातार तालिबान नियंत्रण मजबूत होता रहा। कांधार में तालिबान का 1990 के दशक में मुख्यालय था और अब आशंका जो जताई जा रही है वो ये है कि कांधार में अफगान रक्षा और सुरक्षा बलों के साथ तालिबान की काफ़ी महीने तक लड़ाई हो सकती है। भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द हिंदू को बताया है कि हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि भारतीय कर्मी सुरक्षित रहें और हमें लगा कि कांधार के भीतर जो हालात बन रहे हैं उससे भारतीय सुरक्षित नहीं रह सकते थे और इस वजह से सेना पहुंची और अपने लोगों को छुड़ाया। हम एक और खबर इसी से लेते हैं, तालिबान से रिलेटेड। दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकियों ने तालिबान से हाथ मिला लिया है, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अफगानिस्तान सरकार के लिए उल्टी गिनती शुरू हुई है, भारत की भी चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल दोस्तों, आप सोच रहे हो कि बार बार तालिबान पॉइंट को कवर क्यों कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हम कवर कर रहे हैं क्योंकि तालिबान का जो मसला है वो काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है और भारत पे जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो कहीं ना कहीं अपने आप में हिलाने वाला होगा। मोदी सरकार एक तरफ रणनीति POK लेने की बना रही है तो दूसरी तरफ भारत और चीन की जो जुगलबंदी दिख रही दोस्ती, इसे कहीं ना कहीं तरीके से भारत सरकार को अपनी सेनाओं में और मजबूती करना पड़ रहा है। लेकिन जब अभी तो केवल पाकिस्तान से आतंकी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के आतंकी तालिबानों से हाथ मिला लेंगे और अफगानिस्तान की सत्ता सरकार नियंत्रित ना होकर तालिबान नियंत्रित होगी तो भारत के लिए जाहिर सी बात है कि मुश्किल बढ़ सकती है। हालांकि भारत ने तालिबान के कुछ टॉप कमांडर से बातचीत की, जिसमें तालिबान ने आश्वस्त किया है किसी भी कीमत पर इस तरीके कोई बात नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी तालिबानी आतंकियों और पाकिस्तान के आतंकियों से एकजुट होना ये अपने आप में अफगानिस्तान सरकार के लिए भी खतरे की घंटी है।
दरअसल इस बात को खुद पाकिस्तानी कैंपों में जो ट्रेनिंग आतंकियों को दी जा रही है उसमें तालिबान आतंकी भी है। आपको बता दें ये खुलासा हो चुका है। अफगानिस्तान में सरकारी सुरक्षा बलों का करीब 20% इलाकों पर ही नियंत्रण रहेगा और तालिबान लड़ाके ज़्यादातर अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले चुके हैं। खबरों के मुताबिक भारत ने भी कांधार में दूतावास अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने भी अफगानिस्तान में खुलकर तालिबान लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में सरकार के खिलाफ तबाही मचा रहे तालिबानी आतंकियों को पाकिस्तानी कैंपों में ट्रेनिंग दी जा रही है और ये खुद पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इनके साथ सक्रिय रूप से मिले हैं। तो अब आप समझिए कितना खतरनाक ये घातक साबित हो सकता है ये मेलजोल। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तानी तालिबान का पाकिस्तान आतंकी संगठनों के साथ हाथ मिलाना 2020 में अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। खुफिया एजेंसियों की ओर से ये जानकारी तब सामने आई कि भारत समेत तमाम देश अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते दबदबे को लेकर चिंतित है। ये जानकारी ऐसे वक्त में सामने आई है जब कई खुफिया एजेंसियों की शंका है कि जल्द ही तालिबान अफगानिस्तान सरकार के महत्वपूर्ण इलाकों को छीन सकता है। एक और खबर ही ले लेते हैं अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ी हुई है। अफगानिस्तान से आई भारत के लिए एक खुशखबरी, चीन के खिलाफ हाथ लगा है बड़ा मौका। जी हाँ, अफगानिस्तान में करीब 200 करोड़ डॉलर निवेश करने वाले भारत को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को बाहर निकालने का ऐलान किया था। और फिर अब स्थिति ये है कि तालिबान काफ़ी तेज़ी से अफगानिस्तान में नियंत्रण बढ़ाए जा रहा है, जिसे देखते हुए भारत ने कांधार में स्थित अपने कॉन्सुलेट से 50 से ज़्यादा अधिकारियों को वापस बुला लिया है। यानी अफगानिस्तान से भारत के लिए अब तक अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफगानिस्तान से सैनिकों को बाहर निकालने के पीछे असली वजह बताई है वो भारत को खुश करने वाला है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से काफ़ी तेज़ी से अपने सैनिकों को बाहर निकाल रहा है जिससे हर कोई हैरान है, लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि उसने 4 साल पहले ही अफगानिस्तान से सैनिकों को बाहर निकालने का फैसला कर लिया था क्योंकि वो अफगानिस्तान युद्ध से तंग आ चुका था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के बाद अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से लड़ने में अमेरिका को अरबों डॉलर बर्बाद हो चुके हैं, हज़ारों सैनिक मारे गए हैं। ऐसे में अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध से तंग आ गया था, लेकिन चीन की बढ़ती शक्ति ने दूसरी तरफ अमेरिका को काफ़ी परेशान करना शुरू कर दिया है। लिहाजा जो बाइडन ने कहा है कि अफगानिस्तान से सैनिकों को बाहर निकालने के पीछे मुख्य वजह चीन और रूस है क्योंकि अमेरिका सिर्फ चीन और रूस पर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहता है। ऐसे में अगर चीन और अमेरिका सीधे तौर पर उलझते हैं तो जाहिर तौर पर भारत को फ़ायदा होगा, और एक तरीके से चीन और रूस आपस में उलझने की भी कई वजह बताई जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी कहा कि अफगानिस्तान से सैनिकों को निकलने के पीछे US का मकसद है कि चीन और रूस पर ही अपना फोकस कर सकें। और इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका और चीन आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। चीन को लेकर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और इसी वजह से अब चीन की सेनाओं के पीछे अमेरिका पूरा ध्यान देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अगर भारतीय अमेरिकी सैनिक अगर अफगानिस्तान में ही लड़ती रहेंगी तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में चीन को और डेवलप होने का समय मिल जाएगा, लेकिन अब जब अमेरिका अपने सैनिकों को निकाल कर चीन के खिलाफ उसका रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करेंगी तो भारत के लिए भी अच्छी खबर होगी। तो दोस्तों, इन सारे मसले को आप कैसे देखते हैं कमेंट माध्यम से सुझाव दें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।